शिष्य, सांस अंदर रखो और बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब आपका मन शांत हो चुका है और आप परम आनंद की ओर अग्रसर हो चुके हो। क्या कर रहे हो? ठीक से करो ना। ठीक से तो कर रहा हूँ बेबी। अरे अब इसे आराम से दबाओ और इसे हाथ में पकड़ो। कर तो रहा हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। अरे दबाओ ना, अच्छे से दबाओ। साम क्लच दबाओ। दबा तो रहा हूँ यार। अच्छा एक काम करो, राइट लो, गियर चेंज करो। अरे अरे सामने देखो। क्या यार साम, अगर सच में ड्राइव कर रहे होते ना तो एक्सीडेंट हो जाता। बेबी जब तुम पास होती हो ना, सिर्फ तुम पर ध्यान रहता है, कहीं और ध्यान दे ही नहीं पाता। अच्छा जी, इसका मतलब तुम कभी नहीं सीखोगे। बेबी सीखने कौन आता है, मैं तो चाहता हूँ किसी बहाने तुम और मैं मिल सके। तो मेरे थोड़ी कैलोरी स्टोरी है कि नहीं? क्या यार आज ये फिर सो गया। चमन तुझे कितनी बार बोला है चप्पल को बाहर निकाल के आया कर, क्यों इरिटेट करता रहता है? और हाँ कल कहाँ था बे? अरे वो क्या है ना, कल अपनी लुगाई को कहीं लेके गए थे बाहर। कहाँ? मूवी? अरे फिल्म तो बंद हो गई है ना, हम उसको योगा सिखाने के लिए गए थे। मतलब? अरे वो नया वो नहीं खुला है क्या, माही योग साला? कहना क्या चाहता है? नहीं कहना ये चाहते हैं कि हम कुछ देखे नहीं, लेकिन देख भी लिए हैं। साला हमारी तीन तीन महीने से पगार नहीं दिए हो और यहाँ पे तीन तीन बंदियों के साथ आपसी की लड़ाई जा रही है। तो मेरा छोटा भाई है ना? छोटा नहीं, नहीं बड़ा भाई है तू मेरा। तो पैर दबाओ चलो हमारे। देख स्नेहा को मत बताइए कुछ कुछ भी। नहीं बताएंगे। पक्का ना? अरे बिल्कुल। क्या हो गया? ओ चूतिया चमन, तूने क्या सोचा था कि मैं तेरी पैर दबाऊंगा और तेरी सेवा करूंगा? आ? अबे ओ, वाइफ है वो मेरी और तू इस घर का नौकर, तेरी बात सुनेगी या मेरी? अरे तो हम तुम्हारे तीनों बंदियों को बता देंगे। तुम बंदियों को बताएगा? अरे उनको तो सब कुछ पता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। और सुन, तू ना अपनी औकात में रहे, तुझे नौकरी से निकालूंगा और तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम अलग से लगाऊंगा ताकि तुझे कोई आसपास भी नौकरी पे ना रखे। तो ठीक है, निकल यहाँ से और दिखाई मत देना। खड़ा हो यहाँ से, चल निकल और घर का काम कर। सॉरी मालिक,
शिखर धवन टेस्ट टीम के क्या पूरा दिन ये टीवी देखते रहते हो? अच्छा बेबी, मुझे तुमसे ना एक बात करनी थी। क्या हुआ बोलो। वो ना मेरी फ्रेंड की शादी है, तो बस मुझे एक दिन के लिए जाना है। यार बेबी, तुम्हें पता तो है तुम्हारे बिना मैं एक दिन एक रात कैसे रहूंगा। तो तुम भी चलो। नहीं नहीं, ऑफिस में बहुत काम है ना। तो मैं रहने देती हूँ। रहने क्यों देते हो? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है यार, यू शुड गो। और वैसे भी एक दिन एक रात की बात है, तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। ये क्या एक दिन एक रात करे जा रहे हो? सेटिंग भी बिठानी है ना। नहीं नहीं, वो मैं प्रिपेयर रहूंगा ना यार, जब तुम आओगे तो वी विल प्लान ए कैंडल लाइट डिनर। हाय सिमरन, अभी तेरे को पता है तेरी बात चल रही थी और मैं ना शादी में आ रही हूँ। अच्छा एक बात बता, तू कब एंट्री है? हाँ हाँ, मैं तो बन के आऊंगी। हेलो माही। अरे यार, मेरे पास क्या मस्त गुड न्यूज़ है। मेरी वाइफ है ना, वो आज गई, तो कल 10 बजे मेरे घर पे, सिर्फ तुम और मैं। पूर्वी, तुम और मैं, ठीक 12 बजे। दीप्ति, तुम और मैं, ठीक 2 बजे। हम कितने बजे आए हमारा भी बता दियो। तू तो यही रहता है, तू कहाँ जाएगा? सुन, एक काम करियो, सबके लिए खाना बना देना टाइम से और सबका अच्छे से ख्याल रखना। कैसा ख्याल रखे भाई? ओके, वैसा वाला क्या? I'll take care of them. You go, don't worry. बेबी अपना ध्यान रखना, मैं कल आफ्टरनून तक आ जाऊंगी। बेबी जाओगे तभी तो आओगे ना। चलो ठीक है, अपना फ्लाइट छूट जाएगी यार, चलो। अरे जल्दी चलो, खाना टाइम से खा लेना। और अपना ध्यान रखना। बेबी फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा था। वही तो। सर जी, जुस्से। ये हमारे घर का नौकर चमन। थैंक यू चमन। वेलकम जी, सर्वेंट हो जी, नौकर नहीं। चलो ना बेबी, रूम में चलते हैं। रूम में? हाँ। शिट यार, क्या हुआ? लगता है मेरी वाइफ आ गई। अब क्या करें? एक तुम वॉशरूम में छुप जाओ यार, चादर के नीचे, अलमारी में छुप जाओ ना, छुप जाओ यार। मैंने जो बोला था नहीं। हाय बेबी। तुम इतनी जल्दी? अरे तुमने ही तो बुलाया था। मैंने इतने टाइम थोड़ी ना बुलाया था यार तुम्हें। आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। सर जी, जुस। मैं जा रहा हूँ यार, नौकर हूँ यार, तो क्या इज्जत तो दो थोड़ी सी। तुम्हारी सड़ियल सी वाइफ कहाँ गई? वो तो गई। चलो अच्छा है, देखो ना मेरा बेबी कितना पतला हो गया है। तुम ये सब छोड़ो, तुम बैठो। अब कौन आ गया यार? शिट, तुम्हारी वाइफ तो नहीं आ रही। वाइफ? तुम छुप जाओ, तुम छुप जाओ। कहाँ? सोफे के पीछे, अलमारी में नहीं, बाथरूम में। हाय बेबी। बेबी तुम? हाँ मैं। तो अब तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई यार? अरे यू टोल्ड मी ना, आपका टेक्स्ट आया था। मैंने कब टेक्स्ट कर दिया यार तुम्हें? ठीक है, तुम अंदर आओ। थैंक गॉड डैड विच इज नॉट हियर एनीमोर। कौन बिच? ये कौन है बेबी?
कौन हो तुम? मैं नहीं जानता इसको, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं बताता हूँ आपको, ये चमन की बहन है, चमन की बहन है। चमन की तो कोई बहन ही नहीं थी। तू चुप कर, तेरी बहन जो मेले में बिछल गई थी दशहरे के, ये वही है, ये वही है। इन दोनों की शक्लें तो नहीं मिलती। सौतेली है ना, इसलिए सौतेली है। और तुम्हें तो पता ही है चमन के बाप का बाहर की औरतों के साथ चक्कर है, इसलिए सौतेली है। देखो कितनी अजीब बात है, पहले मिली बिछड़ी फिर से मिल गई। तो फिर मैं कौन हूँ दल्ले? अब ये कौन है? इसने अभी मेरी बात को यकीन करा, मैं नहीं जानता इसको। कौन है तुम और हमारे घर में क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ आपको, ये चमन की गर्लफ्रेंड है। देख रहे हो बेबी, वाइफ के होते हुए फिर भी बाहर के लड़के के साथ चक्कर चला रहा, कितना बेकार आदमी है। छी 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 छी। अच्छा, मैं कौन हूँ फिर? अब ये कौन है? तुम्हें बोला था ना अलमारी में रहने के लिए, मतलब अलमारी ठीक करने के लिए। बेबी वो घर की अलमारी खराब हो गई थी ना, तो ये ठीक करने के लिए आई थी। देख रहे हो कितने अच्छे घर से है, फिर भी मजबूरी में ये सब काम करना पड़ता है। अच्छा, अलमारी ठीक हो गई ना, चलो 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 चलो, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। अच्छा, कहाँ जाऊँ मैं? तुम मेरे साथ दो आदमी को डेट कर रहे हो क्या? तुम्हें भी? हाँ मुझे भी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम सब गलत समझ रहे हो, मैं तो सेवा कर रहा था। वो क्या ये बोला घर रखा है? ये बंदा हम सबको एक साथ काट रहा है, और हम और बंचक तुम सब एक साथ कटवा रही हो क्यों? अगर चमन चूतिया है तो चमन को चूतिया बनाना भी आता है। भाभी, भाभी भैया का एक्सीडेंट हो गया। भाभी भाभी आप आ जाइए, आप जल्दी आ जाइए। लड़ा लड़ा ये होती है नौकर की बाबर, समझे सेठ? अब जा। आई एम सॉरी गर्ल्स, आप ही बताओ ना यार, मैं एक को भी कैसे छोड़ सकता था, और तुम्हें तो पता है मेरा दिल कैसा है। वैसे हम सबको रियलाइज हो गया है कि आप हम सभी से इक्वल का प्यार करते हो। क्या? हाँ, इसलिए हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सब आपके साथ रहने के लिए रेडी हैं। हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। यस, वी गॉट बी अ बिग हैप्पी फैमिली नाउ। अरे लेकिन भाभी, चुप, चमन चूतिया है। होपफुली गाइज आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आई नो बहुत ज़्यादा लेट है वीडियो, क्यों है रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो थी थोड़े ज़्यादा बजट की, लेकिन आपके भाई ने फिर भी इस वीडियो को शूट किया, एडिट करा, 15 डेज हो चुके इस पे काम करते हुए, लेकिन अपना मैं बेस्ट दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है। अगर अच्छे व्यूज़ आए तो आपका भाई बहुत जल्दी सेकंड वाइंस लेकर आएगा। तो क्या करना है आपको, रेड कलर का जो बटन है उसको प्रेस कर दो, और यार प्यार बनाए रखो, आपका भाई अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहेगा। लव यू सो मच।